कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत जो है वो सार्क मुमालिक के बाकी लोगों को ना रोके, और जो माजी में जो एक सार्क कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी थी उसको होने दे, अगर वो नहीं आने चाहते, उनको रिजर्वेशंस हैं, तो वो वर्चुअली अटेंड कर लें। तो बहुत सारे लोगों ने तो इसको मजाक समझा, और बहुत सारे लोगों ने समझा कि ये शायद कोई ब्रेक थ्रू है, पाकिस्तान दोबारा कुछ चाहता है कि मामला ठीक हो। इस सिलसिले में मैंने रिक्वेस्ट की बैरिस्टर हामिद बशानी साहब को। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा बैरिस्टर, ये बताइएगा आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या ये एक सीरियस एफर्ट है, या कि आप समझते हैं कि नहीं, जब खुद ये सेनेट चेयरमैन को नहीं भेजते, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान से नहीं जाते, उनके बुलाने में पिछले महीने जो नवंबर 9-10 दिसंबर को हुआ, तो कैसे पाकिस्तान उनको बुला सकता है, ये आप इसको किस लेंस से सर देखते हैं? देखें जी, बेसिकली तो ये बात वही है कि उन्होंने जस्ट एक फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी करने की कोशिश की है, और ये डेफिनेटली जो है वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए है इनसाइड कंट्री, ये कि जी हम जो है वो कोऑपरेशन और दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं, और असल चीज जो है वो इंटरनेशनल जो एक मैसेज है। तो बुनियादी तौर पे अब ये कहना कि अगर आप नहीं आ सकते तो वर्चुअली आए, तो कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेशन है वो वर्चुअली हो या फिजिकली हो, वो लीगली स्पीकिंग वो सेम, वो उसको एक ही वेट होता है उसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर आजकल के दौर में जैसे हालात चल रहे हैं। तो इसमें वर्चुअली भी जो है अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको पार्टिसिपेशन ही समझी जाती है। तो ये कहना कि आप बाकी लोगों को आने दें और खुद वर्चुअली पार्टिसिपेट कर लें, ये तो कोई बात नहीं। इसमें मसला ये है कि मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में जो इस वक्त हैंडलिंग हो रही है फॉरेन अफेयर्स की स्पेशली, तो खैर हर चीज़ की हैंडलिंग पे ही ऑब्जेक्शन बहुत बड़े बड़े उठाए जा सकते हैं, लेकिन फॉरेन अफेयर्स में तो बिल्कुल एक इंच जो है आप गुज़श्ता 5 साल में मूव नहीं हुए हैं किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर कोई मूवमेंट आपने की है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान कम्प्लीटली जो है वो इस वक्त एक सीवियर किस्म की आइसोलेशन से गुजर रहा है। तो उसके बजाय कि आप जो है वो इन हालात से सबक सीख के कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप उठाएं, और ये एक अच्छा मौका होता है, इस तरह की कोई रीजनल कॉन्फ्रेंस आ रही है, कोई चीज़ होती है जिसमें आप अपना एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं, आप उसको इस तरीके का मैसेज दें, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और इसका जो है वो डेफिनेटली जाहिर है कि ना पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा है, और ना पाकिस्तान की जो इस वक्त एक आइसोलेशनिस्ट किस्म की सिचुएशन चल रही है, ना ही वो इससे निकल सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इनको बड़े जो है वो इस पे दोबारा एसआरए नो गौर करने की ज़रूरत है कि वो इसको किस तरह एक जो है वो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव किस्म का इवेंट जो है वो बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे भी एक बड़ी अहम बात जो अगर आप उनकी स्पीच सुने या शाह महमूद कुरैशी साहब की या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो वो कहते हैं कि बाकियों को तो आने दें, आप बेशक नहीं आते। इसका मुराद ये है कि सारे का सारा जो साउथ एशिया है या सारे के सारे जो सार्क ममालिक है उसके ऊपर तो इंडिया का कंट्रोल है, तो पाकिस्तान का वर्चुअली अपने रीजन में तो किसी के साथ कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट समझे, वो तो किसी किस्म की ना हुई अगर अगर कोई बंदा हमारे कहने पे आता ही नहीं है। इस ये जो 2-3 साल में 4 साल में 5 साल में ये जो अभी देखे उरी में वाकया 2016 में हुआ, और तब से उन्होंने कहा जी कि ये हम इसकी वजह से नहीं आ रहे, तो क्या ये सिचुएशन है कि हमारी कोई भी नहीं मान रहा? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश तो चलो ठीक है ऑलरेडी मसले पुराने मसले, और ये तो खत्ते में, तो इसमें तो हमने सारा कुछ पहले ही बता दिया कि ये भारत की प्लेट में जाएगा सारा कुछ, ये हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये तो एक सेल्फ डिफीटिंग आर्गुमेंट है फॉरेन पॉलिसी की जो अलाइनमेंट होती है। नहीं, डिफीटिंग आर्गुमेंट डेफिनेटली है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत जो है वो बहुत बड़ी एक रियलिटी की रिफ्लेक्शन भी है। अब इस पे अगर कोई सवाल उठाता है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो इस वक्त किसके इन्फ्लुएंस में हैं,
तो मेरे ख्याल में ये बड़ी सादगी की बात होगी। ये तो बिल्कुल एक क्लियर किस्म की बात है कि इंडिया इस पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, स्पेसिफिकली ऑल दीज कंट्रीज, डिस्पाइट जो स्मॉल कोई डिफरेंसेस हैं वो सब के साथ हैं उनके, छोटे मोटे वो तो बांग्लादेश के साथ भी हैं, नेपाल के साथ भी हैं, जो के मतलब है दो मुल्क, किसी भी दो मुल्कों में होते हैं, इवन देन के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कैनेडा जो के बिल्कुल ही एक जड़वां किस्म के भाई समझे जाते हैं और बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उसमें भी इनके भी कई दफा बाज चीजों पे कोई जो है वो डिस्प्यूट होता है, लेकिन उसको डिस्प्यूट नहीं समझा जाता, बल्कि वो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं जो एक ही करीब दोस्तों के दरमियान या फैमिली के में जो है वो पैदा होते हैं। अब जो है वो पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए कि साउथ एशियन रीजन में न किसी तरीके से इंडिया के इन्फ्लुएंस में है, और ये इंडिया ने पिछली सार्क कॉन्फ्रेंस में प्रूव कर दिया था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही सिचुएशन हो रही थी ना, जिसमें कि ये कोशिश कर रहे थे कि सार्क कॉन्फ्रेंस हो जाए और उसमें इंडिया ने जो है वो कहा कि हम नहीं जाते तो कोई भी नहीं आया। तो अब ये कहना कि आप उनको आने दें, जिसका दूसरा मतलब ये है कि खित्ते को हमारे हवाले कर दें और आप बैठे रहें, इसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि अगर इंडिया ने अपना कोई इन्फ्लुएंस बिल्डअप किया है इस खित्ते में तो वो जो है आप इन लोगों को छोड़ दें, ये आके हमारे साथ मिल जाएं तो आप वहीं बैठे रहें। ये इतनी सादा किस्म की गूगली जो खेलते हैं ना आपके प्राइम जो फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये मैं समझता हूँ कि उसी की एक शक्ल है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें बुनियादी सवाल जो हमें मानना पड़ेगा वो ये है कि इस खित्ते में डोमिनेंस किसकी होगी, ये एक अलग सवाल है, चले पॉलिटिकल साइंस का सवाल है, आप इसको जितना मर्जी इस पे डिस्कशन करते रहें या इस पे गौर व फिक्र करते रहें, लेकिन हकीकत अपनी जगह ये है कि इस खित्ते में एक डोमिनेटिंग पावर जो है इस वक्त वो इंडिया है, ड्यू टू इट्स साइज, इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस के। यानी जो चीजें मेरिट पे सामने आती हैं आप उनको डिनाई कर रहे हैं तो फिर आप हकीकत से इनकार कर रहे हैं। तो अब आप उसको माने या ना माने, आप ये कहें कि नहीं जी खित्ते की जो है वो बड़ी पावर इंडिया नहीं है तो इससे इंडिया पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली आप पे असर पड़ेगा, चूंकि आपके जो मामलात हैं वो उस वजह से बीच में जो है वो काफी मुश्किलात का शिकार हैं। अब ये कह देना कि नहीं जी आप बैठे रहें और हमें सार्क की कॉन्फ्रेंस करने दें, तो ये जिसका मतलब ये है कि फिर जो है वो हम जो है वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज पे। दूसरी चीज ये है कि ठीक है इंडिया का इन्फ्लुएंस अपनी जगह होगा, लेकिन ये कंट्रीज जो हैं इनको इस तरह का डिसीजन करने के लिए जरूरी नहीं कि ये इंडिया के कहने पे ही करें, उनके अपने भी जो है डेफिनेटली एक फॉरेन पॉलिसी है और उनके अपने भी तरजीहात हैं, और जाहिर है कि उन्होंने साउथ एशियन जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है उसमें उन्होंने ये इंडिकेशन दी है कि वो इंडिया के साथ खड़े हैं बहुत सारे मामलात में, जो उनकी पॉलिसी से भी आपको नजर आता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि घुमा फिरा के बात जाके यहाँ पे ठहरती है कि क्या आपने इंडिया के साथ अपने जो डिफरेंसेस हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना है या नहीं करना, और ये सवाल कोई मैं आज उठा नहीं रहा हूँ, ये सवाल 1947 में उठा था और अब तक मुख्तलिफ शक्लों में ये सवाल उठ रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है कि इंडिया को भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन जो विजिबल और सामने जो नुकसान सब्सटेंशियल है वो पाकिस्तान का हुआ है, जिसकी वजह से आज आके सिचुएशन ये पैदा हो गई कि पहले तो पाकिस्तान इंटरनेशनली समझा जाता था कि आइसोलेट हुआ है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब रीजनल पॉलिटिक्स में भी आप इंडिया की मर्जी के बगैर या उसके साथ अपने मामला तय किए बगैर एक रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते। तो अगर आप ये कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते तो इसमें आप ये देखें कि इसमें डेफिनेटली आपका नुकसान है, चूंकि आपका जो बहुत सारी चीजें हैं जिनको इसके बगैर मैं समझता हूँ कि हल नहीं किया जा सकता, वो आप कितनी भी तरक्की कर लें, जो साउथ एशिया में पीस और वार के मसाइल हैं, इन्वायरमेंट का मसला है, गुरबत का मसला है जो मैं समझता हूँ कि बहुत आता है कि एक मुश्तरक रीजनल मसला भी है, पानी का मसला है, इस तरह के जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी का इश्यू है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ रीजनल कोऑपरेशन के जरिए ही हल की जा सकती हैं,
और अगर आप अपने डिफरेंसेस को 100% हल नहीं भी कर सकते तो फिर भी कम से कम आप तरजीहात का तयन तो कर सकते हैं ना कि ठीक है हमारे दरमियान ये डिफरेंसेस हैं तो इनको तो हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन कम से कम ये जो चीजें हैं इन पे हम एक कोऑपरेशन का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके अलावा और कोई रास्ता जो है वो मौजूद नहीं है। वो मुझे बार बार इस चीज पे जो है ना एक चीज याद आती है, वो वली खान जो बड़े आपको पता है कि एक मतबर किस्म के सियासतदान थे, वो बार बार ये कहते रहते थे कि पाकिस्तान जो है वो इस रीजन में बदमाश का रोल अदा कर रहा है। अब इस पे जो है वो बड़ा लोगों को चीड़ होती थी कि ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो फिर इसकी वजाहत करते थे कि जब आपने जो है हर किसी को मुक्का दिखाना है और हर किसी को कहना है कि मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें नहीं मानूंगा, तो जाहिर है ये रोल पर यही है ना कि हमने फिर जबरदस्ती इस रीजन में अपनी जो है वो एग्जिस्टेंस और अपना जो स्पेस है वो क्लेम करनी है। अगर इसके बजाय आप जो है वो एक अच्छे पड़ोसी का रोल प्ले कर रहे हैं और इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ स्पेसिफिकली चलें, इंडिया के साथ तो आपका एक मसला चल रहा है जी के जी कश्मीर इशू है, फलां इशू है, रिजॉल्व नहीं कर सकते। बांग्लादेश के साथ जो है अब आपका क्या मसला रह गया? 71 में एक काम हुआ था, उसके बाद 50 साल हो गए हैं, बांग्लादेश इतना आगे चला गया, एक नई दुनिया डिवेलप हो गई रीजन में दुनिया में, और आप जो है वो बांग्लादेश के साथ भी आपने बाइकाट किया हुआ है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के साथ आपने बाकायदा झड़प हुई है आपकी बॉर्डर्स पे, और जहाँ पे आपके जो है वो नुकसान भी हुआ है और उन्होंने वो बाढ़ भी रिमूव करने की कोशिश की है। तो ये वली खान के अल्फाज में बदमाश का रोल है कि आप चारों तरफ लड़ रहे हैं, इंडिया से भी लड़ रहे हैं, बांग्लादेश को भी एड करते हैं, अफगानिस्तान को भी आप जो है उसके साथ उसके बॉर्डर्स जो है वो 70 साल से कोई नतीजा नहीं निकाल सकते, ईरान के साथ आप देख लें आपका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस तरीके से चल रहा है। तो इस तरह के रोल में तो आप अपने अवाम को जो जिंदगी दे रहे हैं वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान इंडिया इस खित्ते में जो इंटरनेशनल जो स्टैट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 44% लोग जो हैं वो गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस रीजन के अंदर जहाँ पे इतना बड़ा पोटेंशियल है वहां पे आप अपना ट्रेड वॉल्यूम देखें कि दुनिया के जितनी रीजनल ग्रुपिंग्स हैं उनमें सबसे कम बल्कि ना होने के बराबर जो है वो है, आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो तकरीबन एट पार है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर ट्रेड खोलेंगे, आप अगर इस तरह की फ्री ट्रेड और फ्री मूवमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे तो आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है, आम आदमी की जिंदगी बदल सकती है। गुरबत के खिलाफ ये सैलाब, ये भूख, नंग, ये सारी जो मुश्तरका किस्म की चीजें हैं जिनका ताल्लुक जो है वो पूरे इलाके से बनता है, उसके खिलाफ एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो। ये कहें कि नहीं जी हमने तो अपनी शराइत पे हर काम करना है, और इवन देन के सार्क की कॉन्फ्रेंस में भी आप अगर इस तरह का रवैया इख्तियार करें, सार्क इज ऑल अबाउट रीजनल कोऑपरेशन, तो आप किस तरह एक प्रोपोजल ऐसी देख सकते हैं कि जी आप घर बैठे रहें लेकिन बाकियों को आने दें? यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो नियत है, इंटेंशन है, वो ठीक नहीं है, और जब तक आप अपनी इंटेंशन दुरुस्त नहीं करते ये घुमा फिरा के बात वापस जाके वहीं ठहरती है जनाब, कि ये काम आपको सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा माइंड सेट से, कि जो सबसे बड़ा सवाल आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या आप इस रीजन में अमन कायम करने के बारे में संजीदा हैं या नहीं, और अगर इसका जवाब हाँ में आया तो फिर आप इस तरह की प्रोपोजल कतन नहीं दे सकते कि हम सार्क कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप बाकी लोगों को आने दें और आपको अगर नहीं मंजूर तो आप वर्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करें। ये तो किसी को इरिटेटिंग किस्म का एक स्टेटमेंट है, जिसका मतलब ये है कि आप खुद उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी को ना आने दें। तो मैं समझता हूं कि आप इसको थोड़ा सा इस नुक्ता नजर से अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बर्रे सगीर के जो बिलियंस ऑफ पीपल हैं उनके मुस्तकबल और उनकी तरक्की के रास्ते में एक रुकावट अंगेज किस्म की सोच, इसको आप कह सकते हैं, और इसको बदलने की जरूरत है, ख्वा ये आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से शुरू करें या फॉरेन मिनिस्टर से शुरू करें, लेकिन इसको बदले बगैर जो है मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी आपकी मुश्किलात जो है उनमें मजीद इजाफे की गुंजाइश है, उसमें कोई बेहतरी मुझे नजर नहीं आती।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, इसमें देखिए ये जो एक फैक्टर जो आपने डिस्कस किया है कि सऊदी अरब के बगैर हम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते, इंडिया के बगैर हम सार्क की कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते, ठीक है, तो ये तो फिर हमें सारी की सारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, और अभी देखिए जैसे सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है उन्होंने वो इंडिया चले गए जब पाकिस्तान ओआईसी की एक कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो ये तो सारी की सारी जो पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी है इसको रीलुक करना पड़ेगा। जिस तरह ये जो आपने माइंडसेट की बात की है कि असल चीज तो वो माइंडसेट है, तो सर ये माइंडसेट किस तरह चेंज आ सकता है, बदली हो सकती है, क्योंकि जो अच्छी जो प्योर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो तो पहुंच नहीं पाती, जो पहुंच जाती हैं वो कंप्रोमाइज्ड होती हैं। अगले दिन वो एक हमारे जनरल साहब भी हैं, जनरल तारक साहब, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में जितने भी लीडरशिप है या वो कॉम्प्रोमाइज है, ऑब्लाइज्ड है, ठीक है, वो किसी भी स्कूल, वो किसी भी क्वार्टर से हो या किसी भी अदारे से हो, वो या कॉम्प्रोमाइज है या वो ऑब्लाइज्ड है। तो ये ऑब्लाइज्ड कॉम्प्रोमाइज के बीच में, और तीसरा उन्होंने कहा था कि वो पता नहीं एक और उन्होंने लफ्ज बोला, आई फॉरगॉट दैट। सो ये तो हम और फिर हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, शायद लोगों को शायद सबज बाग भी दिखा रहे हैं कि हमारी बड़ी कामयाबियां हैं, तो ये कब तक हम इतनी बड़ी स्मोक स्क्रीन जो इरेक्ट करके रखेंगे और मीडिया भी मैनेज कर लेंगे, लोगों तक पब्लिक ओपिनियन भी नहीं पहुंचने देंगे, तो ये हाउ टू रीलुक और हैंड हाउ टू जिसे कहते हैं रीस्केच किस तरह हो सकता है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन ये आपसे सर किया जा सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल नहीं, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, और मैं आपको बता दूं कि इस सवाल का जवाब दिए बगैर पाकिस्तान के लिए आगे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जो बार बार मैं जिक्र करता हूं कि एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी हमने क्रिएट किया हुआ है, वो माइंडसेट है जिसकी वजह से हम दुनिया से और रीजन से वो स्पेस मांग रहे हैं जो हमारा हक नहीं बनता। इसकी आपने खुद मिसाल दी, मैं दोबारा दे देता हूँ कि सऊदीया के बगैर आप ओआईसी की अगर कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते तो ये इस चीज पे दलालत करती है कि इस्लामी दुनिया में आपका स्पेस कितना है, वेट कितना है, और आप मांग कितना रहे, आपकी विशफुल थिंकिंग कितनी है, और आप ख्याली दुनिया के अंदर कितना रहते हैं। आप अगर इंडिया की इजाजत और उसकी आशीर्वाद के बगैर सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं बुला सकते तो ये इस चीज पे दलालत करती है कि रीजन में आपकी जो वेट है और आपका जो स्पेस है वो बहुत ही लिमिटेड है, और आप उससे दुगना चुगना बल्कि 20 गुना ज्यादा हिस्सा जो है वो मांग रहे हैं। आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मर्जी के बगैर किसी दुनिया के बैंक से $1 कर्ज नहीं ले सकते, वह वो वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या मगरब के दीगर जो है वो कहें जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं या कंट्रीज हैं, लेकिन आपने जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को भी आंखें दिखाई हुई हैं कि हम भी आपके साथ भी जो है वो एट पार बैठ के जो है वो बात करेंगे, वरना आपसे हमारी बात नहीं हो सकती। आप यूरोप को जो है वो उसकी बगैर आप बाहर सामान अपना नहीं बेच सकते, आपके पास वाहिद कोई बाइज्जत बड़ी मंडी जो है यूरोपियन यूनियन की है, तो उसको आप आंखें दिखाते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स पे हमारा अपना कल्चर है और आपके जनाब ये चीज हम नहीं मान सकते और हमारे अपना सकाफत है और आप ये इस्लामोफोबिया कंट्रोल करें, और उनको उल्टे मशवरे देते हैं। ये क्या चीज है? ये इस बात पे दलालत करती है कि आप बहुत ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, एहसास बर्तरी का शिकार हैं, और आप अपने हिस्से से ज्यादा मांग रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया इरिटेट हो रही है। अब ये आपके पास ऐसी क्या चीज है कि पूरी दुनिया के तो आपके खिलाफ साजिशों में मसरूफ है, अमेरिका से लेके तो इंडिया तक और सऊदी अरबिया से लेके यूरोप तक। ये तो कोई बात नहीं है ना कि आदमी ये सोचना शुरू हो जाए। ये बहुत ही एक सिख किस्म की सोच है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ जो है वो किसी बहुत बड़ी साजिश में मसरूफ है और ये कोई हमारे हमें निगलना चाहती है या हमें मिटाने की वो सोच रखती है। इसके बजाय अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सोचेंगे भाई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये सारी दुनिया मिलजुल के हमारे खिलाफ कैसे हो गई है, ये आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो मैं सब सामने आती है, और यही माइंड सेट है। इसको आप जब चेंज करेंगे तो आप इंडिया से वो मांगेंगे जो आपका ड्यू स्पेस है साउथ एशिया के अंदर, और मैं नहीं समझता कि कोई इंडिया समेत कोई मुल्क आपको डिनाई कर सकता है कि जो आपका जायज स्टेटस है या स्पेस है उसको डिनाई कर दिया जाए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
वो जो है वो ये नहीं कर सकता, कोई कंट्री भी नहीं कर सकती। लेकिन जब आप इस तरह की चीजों पे, हमने दुनिया को लीड करना है, अब आपके जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक नया एजेंडा लेके आ गए हैं कि मैंने दुनिया को बदल के रख देना है। भाई खुद आपको अपना पाकिस्तान नहीं बदलता, लोग जो है वहां पे इस हालत में मैं जो है कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी मैशियत का ये हालत है कि आप ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स हैं, आपकी वहां पे गुरबत और बदहाली की ये हालत है। आपने कोई एक मनसूबा भी आज तक जो है उसको ना स्टार्ट किया, ना इम्प्लीमेंट किया, ना कंप्लीट किया, और आप कहते हैं जी आप दुनिया में इस्लामोफोबिया खत्म कर देंगे, फलां को ये कर देंगे। ये जो है जो वही जो ख्याली किस्म की चीजें जिनका हकायक से और जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है वो उठा के तो आप अपने आप को एक बतौर लीडर दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह जो कि ये मुमकिन नहीं है। ये हमने तारीख में देखा है पहले। अब इन बातों पे मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इन पे गौर में देखें तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी एक जमाने में इसी तरह की सोच रखते थे, और किस तरीके से उनको जो है वो दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था अय्यूब खान ने, और वो किसके कहने पे। आप अगर डॉक्यूमेंट उठा के देखें डी क्लासीफाइड, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पहली दफा ये कहा था कि अय्यूब खान को अगर अमन कायम करना है तो भुट्टो से जान छुड़ानी पड़ेगी, और अमरीकियों ने जो कहना था वो आपके सामने है वो डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कि ये आदमी जितनी होलनाक का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था तकरीरें करता है तो इसकी मौजूदगी में तो किसी से बात ही नहीं हो सकती। तो आपने बिल्कुल वही काम दोबारा जो है वो उसी तरीके, उस वक्त तो एक कॉन्फ्लिक्ट था भाई, जुल्फकार अली भुट्टो एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर उन्होंने एक स्टैंड लिया था, चूंकि कोल्ड वार थी, एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था, और तीसरी तरफ चीन आपके करीब आना चाहता था, आपको कोई सपोर्ट मिल सकती थी। तो उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने एक स्टैंड लिया, उस वक्त दुनिया में कौमी आज़ादी की तहरीकों का एक दौर चल रहा था, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने एक नजरियाती स्टैंड लिया कि हम आज़ाद लोग हैं और हमारी अपनी ओपिनियन है, हम भी अपनी धरती पे अपनी बात कर सकते हैं। आज के दौर में आपने आके ये जो शुरू किया है काम कि जी हम फ्रेंच को सिखाएंगे कि कार्टून कैसे बनते हैं और इस्लामी फोबिया कैसे जो है वो कंट्रोल करेंगे, और फलां को सिखाएंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। कैन यू इमेजिन कि आप जो है लोगों को ये बताना चाहते हैं वेस्ट में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन किया जाए और उसकी हदूद क्या रखी जाए। अभी कल आपने एक कॉन्फ्रेंस की जो पैसे खर्च करके टैक्स पेयर के, और ये जो लोग आपने बाहर से बुलाए हैं, आप पहले मुझे उनके रेज्यूमे तो बताएं कि वो रातों रात स्कॉलर कैसे हो गए, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जाना या दो चार कॉन्फ्रेंसिस में जो है वो शिरकत कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो एथेंटिकेटेड किस्म के स्कॉलर हो गए और आपकी राय जो है वो फाइनल राय है। उन्होंने आके वहां पे फतवे क्या दिए, आप पाकिस्तान में लोगों को बुला के वर्चुअली या फिजिकली तो उनसे ये फतवे ले रहे हैं कि भाई ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये लानत है और इससे बचो, सेल फोन को मत इस्तेमाल करो, इंटरनेट को मत इस्तेमाल करो। ये वही फतवे हैं जो तुर्की ने 500 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ दिया था, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया डूबी और ये जो अरब कंट्रीज डूबी। ये आपके लक्षण है, तो आप कहते हैं जनाब हम सार्क कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और उसमें बांग्लादेश आके बैठेगा, जो आपसे 100 साल आगे चला गया आज भी इकोनॉमी के हवाले से, और जो उसकी जिस तरीके से वो तरक्की कर रहा है और जिस तरीके से वो रिफॉर्म्स जो है अपने कानून में ला रहा है। तो असल में मसला ये है कि हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा अंदर, के पाकिस्तान के अंदर आप क्या चीजें कर रहे हैं, और उसको आप बुनियाद बना के जो दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दुनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी तरीके से भी पाकिस्तान के मफादात में नहीं है। पाकिस्तान का अपना एक साइज और वेट है साउथ एशियन रीजनल सेटिंग के अंदर भी और इंटरनेशनल सेटिंग के अंदर भी, उसको आप एक दफा डिफाइन कर लें और उसके मुताबिक जो है वो आप चलें, तो मैं समझता हूँ कि सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं।